वेज बनाने का प्लान है मेरा, क्योंकि हमारा भाई बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हीट हो गया, जितना हीट हमें चाहिए था। ये दोनों रेसिपियाँ देखते हैं कि आपको पसंद आती हैं कि नहीं आती हैं। हमारी कोशिश तो है कि आप लोगों को पसंद आए। चिकन हमारा जो है ना ऑलमोस्ट है, हमने इसको बस कलर ही देना है। अच्छा है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी बना के मज़ेदार सी रेसिपी आप, तो फिर हम आपको खाकर भी बताएंगे कि कैसी लग रही है। 100% गारंटी के साथ कि बहुत बहुत ही अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। हमने बस इसको कलर ही देना है, बाकी हमारा चिकन जो है वो तैयार है बिल्कुल। बस जब तक हम चिप्स होती है तब तक इसको कलर आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे आपको किसी दिन रेसिपी जो है ना दिखाएं। अब यहाँ पर हमारी जो चिप्स हैं इसको भी कलर करना शुरू हो गया है, इसलिए हमने बेसन डाला, साथ हमने हल्का सा उसको स्प्रिंकल किया है बेसन, चाट मसाला डाला, थोड़ा सा नमक वगैरह। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, आपको दिखाऊं जी, देखिए आप कितने अच्छे से इसके ऊपर मसाला सारा चिपक गया है। और इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया, आज मैंने अल्यूमिनियम फॉइल में नहीं बनाया, आज डायरेक्ट मैंने ही मैंने इसको पकाया। देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर आया चिकन को। तो इसको हमने रोटी के साथ नहीं, बन के साथ खाना है, साथ पेप्सी स्प्राइट कढ़ाई को हटा देते हैं और यहाँ पर हमने इनको कट कर लिया है। अब इस पर हम कहीं भी कुछ नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही कटाई में। तो ये थोड़े ऑयली हो गए तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। हमारा चिकन यहाँ हो गया बनकर रेडी हो गया, बस इसको इतना ही से इतना बंद कर देते हैं। ये देखिए जी बड़े ज़बरदस्त से सीखते हैं हमारे बन, ऐसे रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता कि रोटी के साथ भी खा सकते हैं। चलिए ये भी हो गया हमारा रेडी, ये सकते हैं आपको दिखाते हैं हम। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है हमारी रेसिपी, देखेंगे इसको भी डिश आउट कर दिया गया है। अब हम आपको यहाँ पे खा कर दिखाएंगे। चले जी, आपने KFC तो खाई होगी लेकिन आपने ये चिकन नहीं खाया होगा ऐसा बनाकर। मैंने इसमें मसाले घर के मसाले ही डाले। अब जी ये देखेंगे अभी हम कलेजी फ्राई है, इसको तो हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसमें कोका कोला वाला ग्लास, हम इसमें डाइट स्प्राइट इसमें डालेंगे। ये देखिए जी हमने इसमें डाइट स्प्राइट डाल दी है। और यहाँ पर हम केचप, केचप केचप केचप, ये है जी केचप। और ये जी हम ग्रीन चटनी भी ले लेते हैं। वाओ मज़ेदार सी खुशबू आएगी। चले जी अब हम आपको ज़्यादा वेट नहीं कराते, हम चिकन खा कर आपको बताते हैं। ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह टेंडर हुआ है। आपकी मर्ज़ी है, आप ग्रीन चटनी खाना चाहें खाएं, नहीं खाना चाहते ना खाएं। वाह ज़बरदस्त A1 बहुत ही अच्छा बना है जी। भी मैं फुल रेसिपी भी आपको दूँगी, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बना है, बहुत अच्छा माशाल्लाह बना है। मेरे ख्याल से मैंने आपको पोटैटो वेज तो खाकर दिखाई नहीं है, ज़बरदस्त पोटैटो वेज भी बेहतरीन चिकन देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा सा बना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें।
अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जो भी करें दिल से करें। बस थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।